हेलो एवरीवन, आप मुस्कान। आज हम डिस्कस करेंगे मशरूम के कल्टीवेशन मेथड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मशरूम के जनरल इंट्रोडक्शन को देख लिया था, उसके टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर और फिर उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन मेथड ऑफ मशरूम। मशरूम का कल्टीवेशन कैसे कराया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉ का प्रिपरेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक जो ड्राई स्ट्रॉ होता है, लाइक वीट स्ट्रॉ ले लेते हैं, और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप्ड करते हैं और फिर उसे बॉइल करते हैं स्टरलाइज करने के लिए। एटलीस्ट हाफ टू वन आवर उसे अच्छी तरीके से बॉइल कर लेते हैं और फिर उसे जमीन में बिछा देते हैं और उसे ड्राई होने देते हैं, ताकि उसमें जो प्रेजेंट उसके फंजाई के जो स्पोर्स हैं वो कम्प्लीटली किल्ड हो जाए। अब हमारा स्ट्रॉ जो है वो प्रिपेयर हो गया ड्राई होने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में स्पॉन प्रिपरेशन करते हैं। स्पॉन का प्रिपरेशन करने के लिए हम सबसे पहले अगार प्लेट लेते हैं। अगार प्लेट में मशरूम के माइसीलियम को इंक्यूबेट करते हैं और फिर उसे 250 ml फ्लास्क में रख देते हैं और एक बीकर लेते हैं 50 ml का, जिसमें कि वीट ग्रेन लेते हैं। वीट ग्रेन लेने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं हाफ स्पून कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर और 1/4 टेबलस्पून कैल्शियम सल्फेट। ऐड करने के बाद उसमें 60 ml वार्म वाटर ऐड करते हैं और फिर सबको एक साथ मिक्स करके ऑटोक्लेव कराते हैं 121 डिग्री एट 15 मिनट एलबीएस प्रेशर में। ओके, देन इसे 27 डिग्री सेल्सियस में 4 to 1 week के लिए इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में। अब इंक्यूबेट करने के बाद हमारा जो स्पॉन है 1 week के बाद बन जाता है, ग्रो हो जाते हैं ये स्पॉन। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक बैग प्रिपेयर करते हैं। इस बैग में क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने स्ट्रॉ प्रिपेयर किया और स्पॉन प्रिपेयर किया, तो हम एक प्लास्टिक बैग लेते हैं। प्लास्टिक बैग कम से कम वो 12 x 24 inches डायमेंशन का होना चाहिए और ये जो प्लास्टिक बैग है इसमें स्ट्रॉ की एक लेयर बिछाते हैं। लेयर बिछाने के बाद फिर इसमें 2 inches स्ट्रॉ की लेयर बिछा देते हैं और फिर उसके ऊपर जो स्पॉन हमारा ग्रो हुआ है उस स्पॉन को स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड करने के बाद अगेन उसमें 2 inches स्ट्रॉ की लेयर बिछा देते हैं, फिर से उसमें स्पॉन को स्प्रेड कर देते हैं। ऐसा हम कम से कम 4 to 5 लेयर बनाते हैं और ये हो गया हमारा बैग का प्रिपरेशन। 4 to 5 लेयर हम लोगों ने बना ली। अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही लेयरिंग है जो अभी अभी हम लोगों ने की थी। यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है वो। और फिर कुछ टाइम के लिए इसे अच्छी तरीके से दबा दबा के इस तरीके से पैक किया जाता है कि ये कहीं से भी एयर इसमें पास ना हो पाए और इसे अच्छी तरीके से टाइटली रैप कर देते हैं। टाइटली रैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में जो प्लास्टिक बैग का कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं, ऐसा इस तरीके से छोड़ने के बाद उसे ट्विस्ट करके टाइटली रैप कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं से भी एयर पास होने के कोई भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये टाइटली पैक्ड हो चुका है, हमारा लेयर भी बन चुका है। अब हम देखते हैं कि जो स्टेप्स हैं
हमारे फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है कि इसमें होल बनाया जाता है। इस तरीके से आप एक पिन ले लेंगे, इसमें 12 टू 20 होल बनाते हैं टूथ स्पिक से एयर के सर्कुलेशन के लिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जब कुछ टाइम बाद हमारा जो माइसीलियम है ग्रो करेगा तो इन होल्स से ही हमारा मशरूम जो है वो बाहर आएगा। इसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। मींस क्या करते हैं कि ये जो होल बनाने के बाद इस बैग्स को हम कूल और डार्क रूम में रख देते हैं 27 टू 28 डिग्री सेल्सियस में, जहां पे माइसीलियम की ग्रोथ होती है। और फिर इस स्टेप में हमारा ये जो मशरूम है वो बाहर आ गया है। इस तरीके से ये मशरूम जो है वो प्लास्टिक बैग से बाहर आ जाएगा और फिर इसे तोड़ लिया जाता है और फिर इसे की पैकेजिंग की जाती है। और फिर पैकेजिंग करने के बाद फिर उसे सेल कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।